यूपी के झांसी की बबीना विधानसभा क्षेत्र के पालर गांव में बीजेपी के जश्न के रंग में भंग पड़ गया। यहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा समाजवादी पार्टी का समर्थक बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें, पालर गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता नव निर्वाचित विधायक राजीव सिंह की जीत का जश्न मना रहे थे, तभी गांव के ही रहने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लल्ला यादव ने बीजेपी कार्यकर्ता मनीष चचौदिया की गोली मार कर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज भी ले जाया गया था, लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुनीश को गोली लगी है, उनकी डेथ हो गई है वहां अस्पताल में जाते समय। विवाद की वजह उसमें ये बताई गई है, चाचा जी खड़े हैं उनके, कि एक दो तीन साल से पहले से एक जमीन का भी विषय था, जिसपे दूसरे पक्ष के लोगों, एक उस पक्ष के लोगों का पजेशन था। वो जमीन का विवाद भी इसके पृष्ठभूमि में है। इसके लिए आज जो है आफ्टर काउंटिंग लोग गांव में आए, तो उसके बाद ये सब शुरू हुआ कि नहीं, हमारे जो बजरी वगैरह धंधा आप करते थे कल से बंद कर देना, अब वो सब नहीं होगा। इसी बात पे इनके बीच में कहा सुनी पड़ी है और उसके बाद फायरिंग हुई जो गोली लगी।